हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंद्रा एंड वेलकम यू टू माय चैनल आवर एजुकेशन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे रैंक 3rd यूपीएससी टॉपर अंकिता जैन के बारे में। अंकिता जैन जो कि एक बहुत ही सिंसियर एंड बहुत ही मोटिवेटिंग हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया रैंक 3rd के साथ। ये दिल्ली की रहने वाली हैं और इन्होंने DTU से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और इसके बाद इनकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। बट इसके बाद भी इन्हें तो मन था अपने इस सपने को पूरा करने का, क्योंकि बचपन से इनका ड्रीम था IAS बनने का। तो इन्होंने इसके लिए मेहनत किया और इनकी शादी हुई, 2 मंथ पहले इनकी शादी हुई एक IPS ऑफिसर से। सो शी इज़ अ मैरिड वुमेन एंड इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन की। और इतना ही नहीं, इस फैमिली की 2 लड़कियों ने एग्ज़ाम क्रैक किया और ये हम सभी के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग की बात होती है। दोनों बहन अंकिता जैन और वैशाली जैन ने अच्छे रैंक के साथ एग्ज़ाम क्लियर किया है। अंकिता जैन को मिला है रैंक 3rd और वैशाली जैन को मिला है रैंक 21st। सो बहुत ही अच्छे रैंक के साथ दोनों ही बहनों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इस प्रिपरेशन के दौरान इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, कितने बार अटेम्प्ट दिया इन्होंने, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया और कैसे खुद को मोटिवेट रखा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको बता दूं, इनका ये 4th अटेम्प्ट था UPSC में और 4th अटेम्प्ट ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि 4th अटेम्प्ट तक आप कंसिस्टेंट रह पाओ। बट जब आपके मन से हो ना कि हाँ आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने ही हैं, तो फिर आप ज़रूर कर लोगे। और इनका ये 4th अटेम्प्ट था। 1st अटेम्प्ट इन्होंने 2017 में दिया था, जिस टाइम इनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। और फिर इन्होंने अपना 2nd अटेम्प्ट दिया 2018 में। 2018 में इन्हें रैंक मिला 290 रैंक मिला इनको और इन्होंने तो इन्होंने टोटल 4 अटेम्प्ट दिए UPSC CSE में। और इनके 1st अटेम्प्ट रहा आपको 2017 में, जिसमें ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। इन्होंने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया बट इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका तो ये सपना था। सो वो उसके लिए लगी रही और इन्होंने फिर से 2018 में 2nd अटेम्प्ट दिया और 2nd अटेम्प्ट में इन्होंने 270th रैंक पे एग्ज़ाम क्लियर किया और इन्हें IAS की जॉब भी लग गई। उसके बाद भी ये अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि इनका सपना तो कुछ और था, इन्हें तो IAS ऑफिसर बनना था। तो फिर से इन्होंने अपना 3rd अटेम्प्ट दिया 2019 में एंड यू ऑल विल बी शॉक्ड टू नो दैट दिस टाइम शी इवन कांट क्लियर हर प्रीलिम्स। इस बार वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई बट इस हार ने उन्हें डिप्रेस नहीं किया, इससे उन्हें और मोटिवेशन मिली। इन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि इनके हौसले बुलंद थे, इन्हें अपने सपने को हासिल करना था। सो शी जस्ट ट्राइड वंस अगेन इन UPSC CSE 2020 एंड दिस टाइम शी गॉट 3rd रैंक। और दोनों बहनों ने एक दूसरे की हेल्प की और बहुत ही अच्छे से दोनों ने प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम अच्छे रैंक पे क्लियर किया। अब मैं आपको ये भी बता दूँ इसके साथ साथ कि आखिर इनकी स्ट्रेटजी क्या रही। तो इनका कहना है कि हमें सबसे पहले अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और बेसिक्स हम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, NCERT से। हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए NCERT से, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग, नोट्स मेकिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमेशा आपको नोट्स बनाते रहना चाहिए, इससे आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन में एक अच्छी ग्रिप मिलती है। आप जब चाहो रिवाइज कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन, आपकी जो लर्निंग लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। तो नोट्स बनाना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है अगर आप भी UPSC CSE की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये थी इनकी कुछ स्ट्रेटजी और इन्होंने बहुत अच्छे रैंक के साथ एग्ज़ाम क्लियर किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ आपको एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटजी आने वाली है आपके UPSC की प्रिपरेशन के लिए। सो जस्ट गाइस गेट रेडी फॉर इट। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हो, लाइव ऑनलाइन क्लास चाहते हो या फिर अच्छी सी मॉक इंटरव्यू सेशन चाहते हो, तो आपको प्लूटस IAS में कॉन्टैक्ट करना चाहिए।
एसआईएस एक अच्छी कोचिंग है जहाँ से इस बार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। इन्होंने बहुत सारी कोचिंग ली है और उसके बाद इन्होंने प्लूट एसआईएस से प्रिपरेशन किया और एग्ज़ाम बहुत अच्छे रैंक पे क्लियर किया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फ्रॉम योर होम। ओके, सो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।